हेलो डियर, तो जैसा कि आप लोग को पता है कि बिहार नर्सिंग में GNM का भी एग्ज़ाम चल रहा है फर्स्ट ईयर का। जो भी लोग सेकंड ईयर का वीडियो देख रहे हैं, प्लीज़ आप लोग जो है इंस्टाग्राम या मेरा नंबर होगा आपके पास, तो आप लोग अपना क्वेश्चन भेज दीजिए ताकि सेकंड ईयर वालों लोग को भी मैं इसका सोल्यूशन करा दूँ, और जिनका आगे एग्ज़ाम है किसी स्टेट में तो उनको भी फ़ायदा पहुँचे। ठीक है, तो आप लोग हमारे पास भेज सकते हैं। फाइनली यहाँ पे मैं बता दूँ, GNM फर्स्ट ईयर के लिए बिहार में एग्ज़ाम हो रहा है, ठीक है, 2022-23 सेशन के लिए। तो चलिए, आज हमारे पास दूसरा प्रश्न आ चुका है। पहला तो मैं करा चुका हूँ आप लोग को बायो साइंस, दूसरा हमारे पास बिहेवियर साइंस का आ चुका है जिसमें साइकोलॉजी और सोशियोलॉजी होता है। 75 मार्क्स का एग्ज़ाम होता है। चलिए देखते हैं। सबसे पहले जो प्रश्न पूछा गया है 15 नंबर के लॉन्ग क्वेश्चन में, पर्सनालिटी के बारे में, पर्सनालिटी के क्या लक्षण होते हैं, व्यक्तित्व के गुण या लक्षण और इसके प्रकार को बताना है। एंड लास्ट में है कि व्यक्तित्व के मापन के कौन कौन से विधि है जिसके द्वारा हम लोग पर्सनालिटी को मेजर कर सकते हैं। तो ये सारे के सारे हम पढ़ा चुके हैं, जाके आप लोग प्लेलिस्ट में देख लीजिएगा, आपको पता चल जाएगा। तो ये वाला भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आपको पता है। दूसरा प्रश्न पूछा गया था, परिवार के परिभाषा लिखे, परिवार के कार्य लिखे और परिवार के प्रकार बनाए और एकल एवं संयुक्त परिवार में अंतर बताना है। ठीक है, ज्वाइंट फैमिली और न्यूक्लियर फैमिली में अंतर बताना है। तो सब पढ़ा दिए थे, ये भी 15 नंबर का क्वेश्चन आराम से होने वाला था। ओके, आगे चलते हैं। अब यहाँ पे दे रहा है शॉर्ट क्वेश्चन, ठीक है, यहाँ पे 5 दिया है, इसमें से कोई भी 3 जो है आपको करना था 5-5 नंबर का। परसेप्शन भी पढ़ा दिए हैं, सोशलाइजेशन भी पढ़ा चुके हैं, ठीक है, मानसिक बीमारी के क्या कारण होते हैं ये भी पढ़ा दिए हैं, बाल अपराध भी पढ़ाए हैं, ड्रग एडिक्शन भी पढ़ाए हैं, ठीक है, और बुद्धि को प्रभावित करने वाले कौन कौन से कारक है ये भी पढ़ा चुके हैं। ठीक है, तो ये सारे चीज़ हम पढ़ा चुके हैं, इसमें से कोई 3 आपको जो आता है सबसे बढ़िया उसको कर लेना था। ठीक है, आगे है यहाँ पे चौथा प्रश्न है, सही उत्तर को चुनना है। ठीक है ना, 15 नंबर का है, एक नंबर का 15 दिया है, 15 है, कहता है कि सही उत्तर आपको चुनना है, यानी MCQ है, 4 में से एक चुनना है। कहता है फॉर्मूला 4 पर कैपिटा इनकम, कहता है प्रति व्यक्ति आय ज्ञात करने का सूत्र क्या होता है। तो प्रति व्यक्ति ज्ञात करने का सूत्र आप लोग सोशियोलॉजी में पढ़े हैं, नेशनल इनकम बटा टोटल पॉपुलेशन, यानी राष्ट्रीय आय बटा जनसंख्या होता है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट होगा। ओके, इनमें से मनोवैज्ञानिक विधि कौन सा है, देखिए कहता है इनमें से मनोवैज्ञानिक की वैज्ञानिक विधि क्या है। तो आप लोगों को हम पढ़ाए हैं, आप लोगों को हम साइकोलॉजी के ब्रांचेज पढ़ाए हैं, उसमें हम पढ़ाए थे एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी, और एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी में होता ही ये है कि मनोवैज्ञानिक में वैज्ञानिक तरीके से उसका जो है खोज करके वैज्ञानिक मेथड से जो है उसका हम लोग एक्सपेरिमेंट करके अध्ययन करते हैं। तो ये एक्सपेरिमेंटल जो कि एक वैज्ञानिक विधि, तो कोई भी चीज़ का वैज्ञानिक अध्ययन कब होता है, जब उसका एक्सपेरिमेंट चलता है तभी तो वैज्ञानिक अध्ययन होता है ना, तो यही एक्सपेरिमेंटल मेथड सही है। ओके, तो ये चीज़ें हैं। अब आता है तीसरा है, कहता है कि रीजनिंग इज द स्टेप वाइज थिंकिंग विद, कहता है कि रीजनिंग तर्क विचार एक चरणबद्ध सोच है जो संबंधित है किससे। तो देखिए, रीजनिंग में लोग कल्पना भी करता है, इमेजिनेशन, और उसका एक उद्देश्य भी होता है, रीजनिंग का उपयोग किसी उद्देश्य के लिए किया जाता है। ठीक है ना, तो इस प्रकार से ऑप्शन ए और बी दोनों सही होगा, सी इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, आगे है मैरिज विथ वन ऑन कास्ट इज कॉल्ड, कहता है अपने जाति में विवाह करना क्या कहलाता है। तो अपने जाति में विवाह करना इंडोगैमी कहलाता है। ठीक है, इंडोगैमी अपने जाति में अपने कास्ट में शादी करना। कहता है मंदबुद्धि बच्चों की बुद्धि लब्धि कितनी होती है। अगर कोई बच्चा मेंटल रिटार्डेड है, मंदबुद्धि का है, तो उसका जो IQ लेवल है वह कितना होगा। तो मंदबुद्धि में 70 या इससे नीचे जो होता है वह मंदबुद्धि के श्रेणी में आता है। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ठीक है, आगे चलिए। यहाँ पे छठा क्वेश्चन है, उद्दीपनों के अभाव में वस्तु का बोध होना क्या कहलाता है। अब आपको मैं पढ़ा चुका हूँ, ठीक है, पढ़ा चुका हूँ कि एक होता है जहाँ पे कोई वस्तु यानी उद्दीपन उपस्थित होता है, बट उसका जो है हम गलत पहचान करते हैं, आइडेंटिफिकेशन गलत होता है, और एक कंडीशन होता है जहाँ पे कोई वस्तु या कोई उद्दीपक उपस्थित होता ही नहीं है, फिर भी लगता है व्यक्ति को कि वो चीज़ें वहाँ पे उपस्थित है, प्रेजेंट है। तो इस स्थिति को हम लोग हैलुसिनेशन कहते हैं, मति भ्रम कहते हैं। ठीक है, तो इसका राइट आंसर, जब वस्तु का अभाव होगा, उपस्थिति के अभाव होगा, और ऐसे कंडीशन में भी वस्तु दिखाई दे रहा है, मतलब हैलुसिनेशन है। ठीक है, श्वसन कार्य शक्ति की प्रेरणा है। देखिए, वो श्वसन किस प्रकार के मोटिव है,
ठीक है ना, श्वसन कहता है रिस्पायरेटरी ड्राइव कम अंडर मोटिव, मोटिव मतलब रिस्पायरेटरी ड्राइव कम्स अंडर मोटिव, मतलब किस प्रेरक के अंदर जो है आपके श्वसन आता है, तो आपको पढ़ाए हैं ठीक है, बायोलॉजिकल मोटिव, ये सब बायोलॉजिकल मोटिव ऐसा मोटिव है जिसमें व्यक्ति को जीने के लिए हर हाल में वो चीज़ें चाहिए ही, और वो उस प्रकार के प्राइमरी मोटिव होता है ठीक है। तो श्वसन के बिना क्या आप जी सकते हैं, नहीं जी सकते हैं, तो यह भी एक प्राइमरी होगा ठीक है, ऑप्शन नंबर ए सही होगा ठीक है, ये मोटिव्स के प्रकार में हम पढ़ाए थे। आठवां है अल्पकालीन स्मृति को क्या कहते हैं, देखिए कहता है शॉर्ट टर्म मेमोरी इज कॉल्ड, ठीक है ना, शॉर्ट टर्म मेमोरी को हम लोग क्या कहते हैं, तो देखिए शॉर्ट टर्म जो मेमोरी होता है वह आपका किस प्रकार की मेमोरी होता है, तो जैसे मान के कंप्यूटर चल रहा है, कंप्यूटर ओपन है और वह ओपन है, आप जो चला रहे हैं कहीं ना कहीं वह उस समय कहीं ना कहीं मेमोरी उसको हैंडल कर रहा है, तभी तो आप चीज़ें को देख रहे हैं ना, उस समय होल्ड करके रखा है, कोई फाइल ओपन किए, कोई फिल्म ओपन करके रखे, कुछ भी ओपन करके चला रहे हैं, मतलब वह कहीं ना कहीं मेमोरी पर होल्ड हो रहा है, तभी तो वो चीज़ें आप खोल रहे हैं और वो खुल रहा है और वो उसमें रुका हुआ है ठीक है, जब तक आप उसको बंद नहीं करते। तो जब करेंट सिचुएशन हो, जब चीज़ें चलता रहा हो, तो वह जो है शॉर्ट टर्म के मेमोरी होता है, और ये जो चीज़ें हैं इसे हम लोग क्या कहते हैं, स्टोरेज तो होगा नहीं ठीक है, इमेजिनेशन होगा नहीं, रिट्रेवल होगा नहीं ठीक है, और ये आपका इनकोडिंग, इनकोडिंग जो है आपका कहाँ पे होता है, जब आपके मेमोरी चलता रहता है करेंट सिचुएशन में ठीक है, तो आप लोग जो है ये चीज़ें ध्यान से देख लीजिए ठीक है। नौवां है कहता है निम्नलिखित में से कौन सी एक संस्था है, ठीक है निम्नलिखित में से कौन सी एक संस्था है, ठीक है ना, तो निम्नलिखित में से कौन सी एक संस्था है, तो आपको पता है इंस्टीट्यूशन, सोशल इंस्टीट्यूशन आप लोग पढ़े हैं, तो उसमें आप लोग को पता है कि सोशल इंस्टीट्यूशन में फैमिली आता है, एस्टेट आता है ठीक है ना, तो ये सारे चीज़ जो है आपके राइट आंसर फैमिली भी होगा, एस्टेट भी होगा, पार्टी मैरिज ये सब, पार्टी सिस्टम ये सब भी होता है, तो इसलिए ऑप्शन नंबर डी इसका तीनों सही है ठीक है। आदमी एक सामाजिक पशु है, किसने कहा, मैन इज ए सोशल एनिमल इज ए स्टेटमेंट बाय अरिस्टोटल, ठीक है अरिस्टो के द्वारा जो है यह कहा गया कि आदमी एक सामाजिक पशु है, ऑप्शन नंबर बी राइट ओके। आगे चले, चलिए यहाँ पे है 11वां नंबर का है कुंठा को सहन करने की क्षमता किसके कार्यों में से एक का उदाहरण है, तो देखिए कुंठा का सहन जो करता है, एबिलिटी टू टॉलरेट फ्रस्ट्रेशन इज एन एग्जाम्पल ऑफ वन ऑफ द फंक्शन ऑफ ईगो, ऑप्शन नंबर ए ईगो इज द राइट आंसर ठीक है। कहता है टोडलर के लिए मूलभूत भावनात्मक कार्य होता है, तो देखिए टोडलर के लिए सबसे जो मूलभूत जो भावनात्मक कार्य होता है इनमें से, वह आपका क्या हो जाएगा, यह आपका जो है इंडिपेंडेंस हो जाएगा ठीक है, इंडिपेंडेंस हो जाएगा, यह जो है टोडलर का सबसे मूलभूत जो है आपका कार्य है ठीक है। भारत में राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम की आरंभ कब हुआ, एक कितना बार पढ़ा चुके हैं, 1982 में हुआ ठीक है ना। देश द्वारा उत्पादित कुल आय को क्या कहते हैं, नेशनल इनकम कहते हैं, राष्ट्र द्वारा जो कुल उत्पादित आय होता है उसको हम लोग नेशनल इनकम, राष्ट्रीय आय कहते हैं, आप लोगों को पता है। 15 और आखिरी है देख सकते हैं, एक मानसिक प्रक्रिया जिसमें विचार और सोच को सक्रिय करते हैं, देखिए एक ऐसी मेंटल प्रोसेस जिसमें थॉट भी हो और जिसमें थिंकिंग भी हो ठीक है, तो उस चीज़ें को हम लोग क्या कहते हैं, तो उसे हम लोग चिंतन कहते हैं, थिंकिंग कहते हैं, चिंतन में सोच और विचार दोनों का सम्मिलित होता है, इसलिए हम इसे थिंकिंग कहते हैं ठीक है, बातों को समझ गए। चलिए ए हो गया 15 नंबर, देखिए इसमें से मैं मान सकता हूँ बिहेवियर साइंस है, तो बिहेवियर साइंस थोड़ा सबको हार्ड लगता है, तो मैं मानता हूँ 15 में कम से कम 10 तो सही होना ही चाहिए, 10 तो ऐसा था जो एकदम आप देख कर टीक मारते थोड़ा समझ के ठीक है, और ये सारे चीज़ें हैं। अब यहाँ पे नेक्स्ट है 15 नंबर का, यहाँ पे देख लीजिए आप लोग, 15 है समाजशास्त्र को परिभाषित करें, और समाज चिकित्सक समाजशास्त्र और अस्पताल में समाजशास्त्र का अंतर लिखे ठीक है। अब आपको मैं बता दूँ, हॉस्पिटल सोशियोलॉजी मेडिकल सोशियोलॉजी दोनों में अंतर बताना था और समाजशास्त्र के परिभाषा लिखना था 5 नंबर में। अगर आप लोगों को पता होगा कि सोशियोलॉजी का जो मैं ब्रांच पढ़ाया था उसमें मेडिकल और ये दोनों आया था, आप वहाँ से अंतर लिख लेंगे, मैं ये सब पढ़ा दिया हूँ ठीक है। आगे चलिए, आगे है यहाँ पे देख लीजिए 5वां का बी में है 5-10 जो है फिलअप दिया गया है ठीक है, 15 नंबर का टोटल क्वेश्चन यहाँ पे दिया जाता है। कहता है रिक्त स्थान को
फुलफिल करो। डैश समाज की बुनियादी ज़रूरतों का पूरा करता है। कौन सा समाज को बुनियादी ज़रूरतों को पूरा करता है? तो देखिए, जो सामाजिक संस्था होता है, जो सोशल इंस्टीट्यूशन होता है, या सोशल इंस्टीट्यूशन सामाजिक संस्था ही समाज के बुनियादी ज़रूरतों को पूरा करता है। और आप लोग देख लीजिए कि कौन कौन सामाजिक संस्था है, परिवार हो गया, ये सब सामाजिक संस्था सामाजिक बुनियादों को ज़रूरतों को पूरा करता है। ओके, वह व्यवहार जो समाज विरोधी हो उसे क्या कहते हैं? समाज विरोधी व्यवहार को हम लोग एंटी सोशल एक्टिविटी कहते हैं, यानी समाज के विरुद्ध किया गया कार्य होता है। और इसे दूसरे भाषा में कहा जाए तो इसे जो है हम लोग वायलेंस, हिंसा या अपराध भी कहते हैं। ठीक है, ये चीज़ें ध्यान में रखिएगा। उसके बाद है किसी तथ्य को पुनः कहने में असफलता। देखिए, फेलुअर टू रिकॉल ए फैक्ट इज फॉरगेटिंग। अगर आप किसी भी चीज़ को पुनः स्मरण में अगर आपको समस्या आ रहा है तो उसे हम लोग फॉरगेटिंग कहते हैं। मतलब आप कोई चीज़ भूल रहे हैं, तभी तो आप वो चीज़ को नहीं कह पा रहे हैं ना, तो फॉरगेटिंग होगा। ईसीटी का पूर्ण रूप क्या है? आपको पता है इलेक्ट्रोकन्वल्सन थेरेपी होता है, या इलेक्ट्रोकन्वल्सन ट्रीटमेंट कहिए, ईसीटी का यही फुल फॉर्म होता है। ठीक है, डैश इनकोडिंग भंडारण और जानकारी की पुनः प्राप्ति है। कहता है डैश इज द इनकोडिंग स्टोरेज एंड रिट्रेवल ऑफ इंफॉर्मेशन। कहता है कि वह कौन सी चीज़ें हैं जो इनकोडिंग भंडारण और जानकारी की पुनः प्राप्ति है। तो आपको पता होगा कि जो मेमोरी होता है उसमें इनकोडिंग भी होता है, भंडारण भी होता है, और जानकारी की पुनः प्राप्ति भी मेमोरी से किया जाता है। तो मेमोरी में इनकोडिंग का काम, भंडारण का काम, जानकारी का पुनः प्राप्ति भी मेमोरी से होता है, रिट्रेवल भी। ठीक है, तो पांचवा में आपका मेमोरी हो जाएगा। ओके, आगे चले, चलिए नेक्स्ट है। यहाँ पे छठा है, कह रहा है कि साइको एनालिटिक थ्योरी फॉर्मुलेटेड बाई किसके द्वारा। तो आपको मैं कितना बार पढ़ा चुका हूँ, साइको एनालिसिस, साइको एनालिटिक, यह सब सिगमंड फ्रायड के द्वारा दिया गया। किसके द्वारा? सिगमंड फ्रायड के द्वारा। ठीक है, नेक्स्ट है हिंदू विवाह अधिनियम कब आया? 1855। इसको याद करके आप लोग रखिएगा, 1855 में लागू हुआ। ठीक है, उसके बाद है डैश मानव जाति का अध्ययन है, एंथ्रोपोलॉजी। एंथ्रोपोलॉजी जो होता है, एंथ्रोपोलॉजी मानव जाति का अध्ययन है। ओके, लक्ष्य तक न पहुंचने से उत्पन्न होने वाली नकारात्मक सोच फ्रस्ट्रेशन होता है। ठीक है, फ्रस्ट्रेशन, जब कोई व्यक्ति अपने लक्ष्य से पीछे रुक जाए, लक्ष्य तक ना पहुंचे, तो व्यक्ति फ्रस्ट्रेट होता है, तो यहाँ पे फ्रस्ट्रेशन। ठीक है, एप्टीट्यूड टेस्ट डैश परीक्षण है। ठीक है, तो एप्टीट्यूड टेस्ट एक प्रकार का कौन सा परीक्षण है? तो एप्टीट्यूड टेस्ट जो है, मैं यहाँ पे आप लोग को बता दूँ कि एप्टीट्यूड टेस्ट एक प्रकार का बौद्धिक परीक्षण है, कॉग्निटिव टेस्ट है। ठीक है, कॉग्निटिव, ठीक है, बौद्धिक परीक्षण है। तो एप्टीट्यूड टेस्ट जो है व्यक्ति के एबिलिटी को मापता है, ठीक है ना, जो कॉग्निटिव बौद्धिक क्षमता को बताता है। तो यह कॉग्निटिव टेस्ट है, एक प्रकार का बौद्धिक परीक्षण है। ओके, तो ये हो गया आपका दसवां। अब चलिए यहाँ पे छठा प्रश्न है, अच्छा प्रश्न है, दस यहाँ पे मैचिंग दिया गया है। ठीक है, देख लीजिए, कहता है भारत में गंभीर समस्या है। तो देख लीजिए, भारत में गंभीर समस्या कौन सा है, इसमें कौन सा समस्या है गंभीर वाला मैचिंग में। तो देखिए, एक गंभीर समस्या में यहाँ पे दहेज प्रथा है, तो यही राइट आंसर होगा। ठीक है, भारत में यह एक गंभीर समस्या है। ओके, सामाजिक संरचना के आधार, सामाजिक संरचना के आधार, यानी कहता है बेसिक यूनिट ऑफ सोशल स्ट्रक्चर, जो समाज बनता है उसका बेसिक आधार क्या होता है? परिवार होता है। तो इससे मैच करेगा ए वाला। ओके, आगे है व्यवहार में अस्थाई परिवर्तन लाकर हम किसी चीज़ को सीखते हैं, तो यह लर्निंग होगा। ठीक है, व्यवहार में अस्थाई परिवर्तन लर्निंग अधिगम कहलाता है। ओके, नेक्स्ट है वाइज थिंकिंग, विवेक युक्त चिंतन। तो विवेक युक्त चिंतन जो होता है, मैं आपको यहाँ पे क्लियर कर दूँ कि बुद्धिमान चिंतन जो है किसमें होता है, तो आपको ध्यान से देना पड़ेगा कि जो व्यक्ति तार्किक होते हैं, ठीक है, लॉजिकल होते हैं, उनके अंदर बुद्धिमान जो है चिंतन होता है। बुद्धिमान, वाइज थिंकिंग के द्वारा आप जो है तर्क लगा सकते हैं, तो ये सही है। ठीक है, उसके बाद है मेंटल स्ट्रगल। मेंटल स्ट्रगल क्या है? कहता है मेंटल स्ट्रगल, यहाँ पे आप लोग देख लीजिए कि मेंटल स्ट्रगल, जिसे हम लोग मानसिक संघर्ष कहते हैं,
व्यक्ति के अंतर्द्वंद मन में दो प्रकार के दुविधा उत्पन्न होता है तो व्यक्ति मानसिक संघर्ष से जूझने लगता है। तो मेंटल स्ट्रगल इज कन्फ्लिक्ट से आपका मिलान होगा। ओके, फेलुअर टू रिमेम्बर, किसी भी चीज़ को आप याद करने में असफल होते हैं तो उसे हम लोग फॉरगेटिंग मीन्स भूलना कहते हैं, विस्मरण कहते हैं। ओके, नेक्स्ट है यहाँ पे, एक यहाँ पे रह गया डिफेंस मैकेनिज्म। कहता है इनमें से डिफेंस मैकेनिज्म कौन सा है, रक्षात्मक प्रतिक्रिया। तो ये सब हम आप लोग को पढ़ाए हैं कि रक्षात्मक प्रतिक्रिया, इसमें से रिग्रेशन एक जो है डिफेंस मैकेनिज्म है। ओके, नेक्स्ट है आपका यहाँ पे मानव व्यवहार का अध्ययन साइकोलॉजी कहलाता है, मनोविज्ञान पता है। प्रतियोगिता में पराजय, कोई व्यक्ति अगर प्रतियोगिता में पराजय हो जाता है, मीन्स अपने लक्ष्यों से इधर रह जाता है, वापस रह जाता है, तो उससे हम लोग क्या कहते हैं, उससे हम लोग फ्रस्ट्रेशन यानी निराशा। कोई व्यक्ति प्रतियोगिता में हार जाए, पराजय हो जाए, तो उस व्यक्ति को निराशा हाथ लगता है। तो यही चीज़ होगा, ठीक है। आगे है, कहता है धारणा के माध्यम से किया गया अध्ययन, स्टडी थ्रू परसेप्शन। तो स्टडी थ्रू परसेप्शन जो है ऑब्जर्वेशन इज द, इसका मिलान सही होगा, अवलोकन। तो ये आपका 10 में 10 बिल्कुल आसान था, सब पढ़ाए थे, हाँ, बट स्टडी वाला है, ठीक है। जो थ्योरी नहीं पढ़ेगा उसको गलत होगा ही होगा। ये ऐसा आपके मैचिंग था, जो अगर स्टडी में कमज़ोर होगा, जिसको अगर थ्योरिकल नॉलेज कम होगा, तो जाहिर सी बात है उसको इसमें से आधा चीज़ें जो है गलत होगा ही होगा, ठीक है। 10 है तो 5 जरूर गलत कर दिया होगा, जो थ्योरिकल नहीं मजबूत होगा, समझ गए, चूँकि अंदर से पूछा गया है, ठीक है। चलिए, अब आखिरी क्वेश्चन यहाँ पे बनता है, 6ठा का बी नंबर, 5 नंबर का क्वेश्चन है। लर्निंग को परिभाषित करें, इसके प्रकार लिखें, और कौन कौन से मेथड से हम लर्निंग कर सकते हैं, उसको विधि को बनाना था। ओके, तो यहाँ पे सारा चीज़ें मैंने पढ़ा दिया है, लर्निंग भी पढ़ा दिए हैं, अब आपको इसको अच्छे से करना था। ओके, चलिए मिलेंगे अगले वीडियो में, अपना ख्याल।